हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता आपके साथ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस की। जी हां, आज का जो यूथ है वो फिटनेस को लेकर काफी क्रेजी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा फिजिक्स सिर्फ जिनका है उन्हें ही नहीं, बाकी जो लोग देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत पसंद आता है। फिटनेस को लेकर वैसे तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जैसे आपने सुना ही होगा पावर योगा, एरोबिक्स, ज़ुम्बा, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो अभी नया नया आया है और जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आज हम इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जी हाँ, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है पावर गरबा। तो ये जो पावर गरबा है, इसके जो फाउंडर हैं सत्यजीत वोहरा, हम उन्हीं से इसके बारे में जानेंगे। उन्होंने ही 2016 में पावर गरबा का कंसेप्ट लॉन्च किया था। तो हम जानते हैं पावर गरबा के बारे में सब कुछ। लोग बोलते हैं कि गरबा से फिटनेस होता है, लेकिन गरबा से एक्चुअली फिटनेस नहीं है, होता है। और फिटनेस जो ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो लोग वेरिएशंस की डिमांड कर रहे हैं, लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए। पावर गरबा गरबा से थोड़ा अलग इसलिए पड़ता है कि उसमें मैंने जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस मैंने बात की थी, तो सबसे पहले कार्डियो, तो कार्डियो तो हो ही रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए मैंने डांडिया वर्कआउट किया। उसके बाद दुपट्टा वर्कआउट है, तो दुपट्टा वर्कआउट में भी जैसे हम अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए बोलते हैं, जैसे ओढ़नी गरबा में बोलते हैं, तो दुपट्टा वर्कआउट को भी मैंने एक ऐसे वर्कआउट के लिए हिसाब से सोचा कि लाइक यू नो, एक सेंटेंस आया था मेरे दिमाग में दुपट्टा वर्कआउट को लेके कि द लाइटर द वेट मोर द स्ट्रेंथ यू नीड। आप इवन बिलीव नहीं करोगे कि हम चेस्ट प्रेस करते हैं, जैसे चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस जो जिम्स में होती है। तो मैंने सोचा कि ये दोनों चीज़ अगर कंबाइन करी जाए और एक घंटे के क्लास में अगर दी जाए, तो इट इज़ डेफिनेटली गोना बी अ बिग ब्लास्ट। गरबा तो है, बट अगर पावर गरबा बोलते हो तो डेफिनेटली पावर तो ज़रूरी है। सब कर सकते हैं अगर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। यूथ के लिए बहुत एनर्जेटिक वर्कआउट है। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना है, उनको ऐसा लगता है इसके नाम से कि पावर गरबा, तो इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग नवरात्रि। तो ऐसा है कि इसको थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि 365 डेज। और जो लोग पावर गरबा करते हैं तो उनको डाइट कैसा रखना चाहिए? मेरे ख्याल से डाइट के हिसाब से अगर देखने जाए, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि डाइट सबका अलग अलग डिपेंड करता है। पावर गरबा एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट है, जिसमें हम कम्प्लीटली फुल बॉडी वर्कआउट पे फोकस करते हैं। पावर गरबा मीन्स हम सिर्फ समझ रहे थे कि सिर्फ गरबा है, बाकी जब यहाँ आए ये किया तो पता चला कि एक एक बॉडी पार्ट्स पे वर्क है, इसका खुद का अपना एक साइंस है। और पावर गरबा करना फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है।